ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। यूपी की प्रयागराज पुलिस ने मंगलवार को लूट के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर रही है। ये मामला गंगानगर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस की SOG और सर्विलेंस सेल की टीम ने लूट के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों से जेवरात, अवैध देशी तमंचा, 2 मोटरसाइकिल और 1 कार सहित लाखों नकद बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने मंगलवार को आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है। दिनांक 18 जुलाई 2024 को थाना सरायनायत पर एक लूट का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी संख्या 189/24 है। इस अभियोग का सफल अनावरण हुआ है, जिसमें 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम छैला बाबू, मंजय सरोज, शुभम मिश्रा, संदीप पटेल, विजय कुमार और सुनील कुमार है। इनमें से इन अभियुक्तों के विरुद्ध में पूर्व में भी लूट और हत्या जैसे अभियोग जो हैं वो पूर्व में पंजीकृत हैं। इस अभियोग में प्रयुक्त 3 वाहन बरामद किए गए हैं, जिसमें 2 मोटरसाइकिल हैं और 1 4-पहिया वाहन है। साथ ही साथ 1 अवैध तमंचा और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं और इसमें 1,05,400 रुपये रिकवर हुए हैं। साथ ही साथ 2 किलो 500 ग्राम सफेद धातु और तकरीबन 6 ग्राम पीली धातु इसमें बरामद हुए हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।